मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सरिता, द मैथ्स टीचर फ्रॉम मैक विजन अविनाश गर्ल्स स्कूल। बेटा हमने चैप्टर टू स्टार्ट कर रखा है, इसका नेम है फोर ऑपरेशंस टुगेदर। फोर ऑपरेशंस में हमने सबसे पहले क्या सीखा था? एडिशन, सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ए एड और एस हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट। देखो बेटा ये चारों चीजें हो गई, लेकिन अब आपको इसमें सब्ट्रैक्शन पूरा लिख लो, कोई बात नहीं। देखो हमें अब इसमें क्या करना है कि इस रूल का मतलब क्या है। इसका मतलब है जब भी आप कोई भी सम करोगे उस सम में सबसे पहले आप क्या करोगे? डिवाइड। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपको ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 3 × 4 / 2 + 4 − 6। ठीक है, अब आपको अगर ये बोर्ड मास रूल नहीं पता है, लेकिन अब आपके बोर्ड मास नहीं DMAS रूल कर लिया था, ठीक है, फिफ्थ क्लास में कौन सा रूल स्टार्ट है हमारा? DMAS। अब आपको अगर ये वाला रूल नहीं पता है तो आप क्या करते? 4 × 12, फिर 12 को 2 से डिवाइड करते, फिर उसे 4 + करते, 6 - कर देते। लेकिन बोर्ड मास रूल हमें क्या कहता है? ये कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवाइड। अब 3 को हम ऐसे किस लिखेंगे? अब हमें डिवाइड किसको करना है? इन दोनों को। आप यहाँ पे एक रफ कॉलम बनाओगे, ठीक है बेटा, रफ में 4 / 2। जैसे ही आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? आपका क्वेश्चन क्या आएगा? 2। तो इन दोनों को डिवाइड करके आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे, फिर 4 − 6, 3 × 6 प्लस 4 − 6, 6 + 4 = 10, −6 इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर? 4। यही आपका बोर्ड मास रूल है। पहले हमें इसके अंदर सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब चलते हैं आपकी बुक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 पर। उसमें हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? बहुत इजी है। आपको जब ये पता लग गया कि इसमें हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, तो आसान भी होता है क्वेश्चन, आप प्रॉपरली 1 by 1 करते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? सॉल्व द प्रॉब्लम्स कौन से रूल के अकॉर्डिंग? यूजिंग द DMAS रूल। यूजिंग द DMAS रूल, ठीक है, हमें कौन सा रूल यूज करना है बेटा? DMAS रूल।
divided by 18. 216 divided by 18 multiply 12 minus 140 और फिर plus 3. ये आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये देखो कि डिवाइड कहां पर है, यहां पर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर माइनस है, फिर प्लस है. सबसे पहले जब भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, नोटबुक के साइड में आप एक रफ कॉलम बनाओगे, ठीक है बेटा. रफ कॉलम में हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड सॉल्व. तो 216 डिवाइडेड बाय 18, 18 बन जा 18, 11 माइनस 8 3, यहां पे आपने 6, 18 बन जा 18, 18 टू जा 36, आ गया 0. यहां पर अब आपने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, इन दोनों को सॉल्व करके आपका 12 आ गया, मल्टीप्लाई फिर 12, ठीक है बेटा. मल्टीप्लाई क्या हो गया, यहां पर आपका 12 आ गया, फिर मल्टीप्लाई हमने एज इट इज सारे डिजिट्स को उतार लेंगे, 12 माइनस 140 प्लस 3, ठीक है. अब हमें इनको सॉल्व करना है, 12 मल्टीप्लाई 12, अब यहीं पर आप अपने रफ कॉलम में ही करोगे सारे काम. 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 बन जा 444 means 144. इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया बेटा आपका आंसर, 144 minus 140 plus 3. अब आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, लेकिन हमें पहले यहाँ पर माइनस नहीं करना, हम क्या करेंगे, 144 plus 3 minus 140. हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे हम 144 में हम 3 प्लस कर देंगे, 144 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 147 आ गया. अब 147 माइनस 140, 147 में अगर आप माइनस करोगे 140 तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 7, आंसर इज 7, ओके. इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. और एक चीज देखो, बोर्ड पर बेटा मैंने हर स्टेप प्रॉपर तरीके से किया है, आप जब आप स्टेप वाइज चलोगे तो आपको इस रूल को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जहां पर भी आपने मिस्टेक कर दी वहीं पे आपका ये सब रॉन्ग हो जाएगा. हमने इस सब में सबसे पहले क्या किया, 216 को 18 से डिवाइड किया, डिवाइड करने में हमारा क्वेश्चन निकला 12, ठीक है. फिर हमने 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बोर्ड मास रूल हमें क्या कहता है कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर पहले माइनस था, और देखो मैंने पहले माइनस नहीं किया, मैंने पहले क्या किया है, आपको प्लस किया है और बाद में माइनस किया है, ओके. रूल के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझ गया.
मल्टीप्लाई कर देंगे। 99 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो बेटा फटाफट, डिजिट्स चेक कर लो, यही डिजिट्स है। 99 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36, 3 9 4 36, 37 38 39, 396। ओके, नाउ इनको हमने सॉल्व करके क्या आंसर निकल गया हमारा, 5 + 7 + 9 - 396, ये आंसर आ गया आपका। यहां तक जैसे ही आपका यहां तक आता है, अब आगे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है बेटा, आ गया यहाँ पर, हमने 99 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 396 आ गया। अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम प्लस करेंगे, 5 + 7 = 12, 12 + 9 = 21, -396। अब आप लोग ये देख रहे हो कि 21 तो मैम छोटी डिजिट है और 396 क्या है, बड़ी डिजिट है। अब मैम ये माइनस कैसे होगा, अब की बात है बेटा, छोटे डिजिट में से बड़ी डिजिट माइनस नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे, 396 में से क्या माइनस कर देंगे, 21 कर दिया, 6 - 1 = 5, 9 - 2 = 7, 3। लेकिन जब हमने यहाँ पर 375 जो हमारा आंसर आया है बेटा, इसके आगे हम क्या साइन लगाएंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर है वो माइनस में आया है। क्यों, क्योंकि 21 जो हमारी प्लस की डिजिट थी वो छोटी थी और माइनस की बड़ी थी। इसमें आपको सिर्फ इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है, आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा। अगर माइनस नहीं हो रहा है तो हम माइनस करके माइनस का साइन लगा देंगे। ओके बेटा, समझ में आया। वन मोर एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको, ताकि एक और एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज अवर, कोई भी एग्जांपल ले लो बेटा, सपोज ले लो 123 × 0, 123 × 0, 0 का भी सम हमें आना चाहिए, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। देखो दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा लिख लेते हैं, 123 × 0 subtraction।